एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही भूखी थी। वो अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो वो गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भराया। वो कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे को कहा, कौवा भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम गीत बहुत अच्छा गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे तुम गीत नहीं सुनाओगे? प्रशंसा को सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। वो लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वो टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा, लेकिन अब पछताने से क्या होना था। चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। एक थी चींटी, चींटियों की रानी। वो बहुत मेहनती थी। वो एक उपवन में बिल बनाकर रहती थी। उसके साथ और भी चींटियां रहती थीं। सभी चींटियां मिलजुल कर रहती और खूब काम करती। उसी उपवन में चींटियों के साथ एक टिड्डा भी रहता था। वो दिन भर उछल कूद करता और चींटियों का मजाक उड़ाता था, पर चींटियां उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती थीं। एक बार गर्मी का मौसम था, फसलें कट चुकी थीं, इसलिए खेतों में बहुत अनाज इधर उधर बिखरा पड़ा था। चींटियां बरसात शुरू होने से पहले अपने बच्चों के लिए अनाज इकट्ठा करने में लगी हुई थी। टिड्डा उनका मजाक बनाने लगा। तब रानी चींटी ने टिड्डे को समझाते हुए कहा, टिड्डे भाई, तुम भी अपने लिए कुछ अनाज इकट्ठा करके रख लो, वरना बरसात में क्या करोगे। टिड्डे ने हंसकर कहा, चींटी बहन, तुम किस लिए हो। ऐसा कहकर टिड्डा उछल कूद करता वहाँ से चला गया। एक दिन आकाश में काले काले बादल छा गए और मूसलाधार बरसात होने लगी। थोड़ी ही देर में चारों तरफ पानी भर गया। चींटियाँ तो अपने अपने घरों में घुस गईं, पर टिड्डे का तो घर ही नहीं था। वो परेशान होने लगा कि वो कहाँ जाए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे रानी चींटी का ध्यान आया। वो रानी चींटी के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाने लगा। रानी चींटी ने दरवाजा खोला तो देखा टिड्डा पूरा भीग गया है और ठंड से कांप रहा है। टिड्डा बोला, चींटी बहन, मैं बिल्कुल भीग गया हूँ और मुझे ठंड भी लग रही है। क्या तुम मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दोगी? मैं बरसात बंद होते ही चला जाऊंगा। रानी चींटी ने उसे आदर के साथ अंदर बुलाया। बाहर बरसात और जोर से होने लगी। टिड्डा भूख के मारे बेहाल हो रहा था। चींटी ने जब उसकी दशा देखी तो उसे उस पर दया आई। वो समझ गई कि टिड्डे को बहुत भूख लगी है। उसने उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया। टिड्डे को अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। उसने चींटी से कहा, बहन, मुझे क्षमा कर दो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब समझ गया हूँ कि कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। यदि उस दिन मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मुझे भी भूखा नहीं रहना पड़ता। आज से मैं भी अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा, अपना घर बनाऊंगा और अनाज इकट्ठा करूंगा। इसके साथ साथ अपने बच्चों को भी मेहनत करना सिखाऊंगा। टिड्डे की बात सुनकर रानी चींटी बहुत खुश हुई। उसके बाद टिड्डा बदल गया। अब वो मौज मस्ती के साथ साथ मेहनत भी करने लगा।